जीत के बाद बोली कमला हैरिस, अमेरिकी इतिहास का एक नया अध्याय लिखने को तैयार। कर्नाटक में बेंगलुरु के बापूजी नगर में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां मौजूद, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। बिहार चुनाव रुझानों में एनडीए और महागठबंधन में कड़ी टक्कर, राधोपुर सीट से तेजस्वी आगे। मध्य प्रदेश उपचुनाव नतीजे, बीजेपी को सभी 19 सीटों पर आगे। बीजेपी नेता ने किया दावा, 13 नवंबर को केंद्रीय मंत्री किसान संगठन से करेंगे बातचीत। दिल्ली में मानक से 20 गुना अधिक बना हुआ है इन दिनों का वायु प्रदूषण। नतीजों के बीच संजय राउत बोले, तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार में शुरू होगा मंगल राज। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 38,074 नए केस आए सामने और 448 लोगों की हुई मौत। मध्य प्रदेश में बीजेपी की निर्णायक बढ़त, शिवराज सिंह चौहान ने जलेबी खाकर मनाया जश्न। फारूक अब्दुल्ला का आया बयान सामने, कहा हम नहीं देश के दुश्मन, भाजपा बांटने की राजनीति कर रही है। अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत, नवंबर के पहले सप्ताह में निर्यात में आई वृद्धि। रुझानों में बाजी पलटने से कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का लगाया आरोप। बिजली मंत्रालय ने कहा सभी वितरण कंपनियां ऊर्जा संरक्षण कानून के दायरे में आएंगी। तेजस्वी यादव की नेताओं को नसीहत, पीएम मोदी के खिलाफ ना करें टिप्पणी। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कबूली हार, कहा आरजेडी या तेजस्वी से नहीं, राष्ट्रीय आपदा से हारे। दिल्ली में 5 महीनों से नगर निगम के कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन पेंशन, एएमसीडी सिविल सेंटर पर कर रहे प्रदर्शन। जेएनयू परिसर में स्वामी विवेकानंद की आमद कद मूर्ति का अनावरण करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर 30 नवंबर तक एनजीटी ने लगाया बैन। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा यमुना एक्सप्रेसवे जैसी सड़क पूरे देश में नहीं। बिहार इलेक्शन रुझानों में एनडीए को बहुमत, एनडीए 123 सीटों पर पहुंची और महागठबंधन 108 सीटों पर।